बहुत प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। मैं धन्यवाद दूंगा अरुण चतुर्वेदी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और तब मैं भाजपा से विधायक था इनके साथ, और उसके बाद थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया, मैंने दूसरा रास्ता चुन लिया, और भाई साहब भी हमारे साथ इनका संपर्क लगातार बना रहा, लेकिन कांग्रेस के साथ हमने कभी नाता नहीं जोड़ा और कोशिश की कि राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी व्यक्ति हमेशा इस राजस्थान और देश की सत्ता में काबिज रहे। मैं धन्यवाद दूंगा मेरे भाई कैलाश जी चौधरी को, जो आज के समारोह के मुख्य अतिथि है, और राजस्थान की विधानसभा के अंदर मैं देखता था कि सत्ता पक्ष के विधायक कभी सवाल नहीं उठाते, क्योंकि सत्ता पक्ष के लोग डरते हैं कि कोई मामला उठाने से सरकार नाराज नहीं हो जाए, लेकिन मेरा भाई कैलाश चौधरी चाहे पर्ची हो चाहे दूसरे मामले हो, हमेशा बाड़मेर के अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए राजस्थान की विधानसभा के अंदर आम गरीब और किसानों के लिए संघर्ष करते रहते थे। और भाइयों, इस संघर्ष का ही परिणाम है कि बाड़मेर संसदीय क्षेत्र से इनको टिकट बड़ी संघर्ष के बाद और लास्ट मोमेंट पे मिला। पार्टी ने तय किया कि ऐसा राष्ट्रवादी व्यक्ति, पाकिस्तान का बॉर्डर जिस बाड़मेर में लगता है, ऐसा राष्ट्रवादी व्यक्ति चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी की नीति नीति में विश्वास करता हो, जिसे 36 कौम बाड़मेर के अंदर पसंद करती हो, जय भाई कैलाश जी को उम्मीदवार बनाया। और हमने भी उम्मीदवारी की बात चली तो हमारे भाई है, इसलिए हमने कहा नौजवान है, और आज जो अरुण जी और जो मैं हेलीकॉप्टर से उतरे थे कि कैलाश जी को देखा तो मैंने तो पहचाना नहीं, मैंने सोचा कोई कॉलेज का स्टूडेंट खड़ा है सामने, अरुण जी मैंने कहा बहुत ज़्यादा जवान लग रहे हैं, चुनाव में तो लोग काले पड़ जाते हैं, ये तो घोरे हो रहे हैं चुनाव के अंदर, पता नहीं क्या करते हैं। और मेरा चूंकि इनसे लगाव है, और बाड़मेर की धरती से हनुमान बेनीवाल का बहुत बड़ा लगाव है, आज मुझे जो मंजिल मिली, जो मुकाम मिला, पिछले 30 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है, मोदी जी अमित शाह जी और अरुण जी और ये लोग जो चाहते थे, उन्होंने कहा कि हनुमान बेनीवाल की RLP से समझौता करो और हनुमान के लिए एक सीट छोड़ो और उसे नागौर लोकसभा से उम्मीदवार बनाओ। भाइयों, मेरी ताकत इस राजस्थान के अंदर अगर बड़ी है, विपरीत परिस्थितियों के अंदर आपके भाई के अंदर संघर्ष का जो हौसला पैदा हुआ, इसमें बाड़मेर के किसान के बेटों का बहुत बड़ा योगदान है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। कई बार विपरीत परिस्थितियों के अंदर मैं सोचता था मैं अकेला पड़ गया, सरकारों से लड़ रहा था, पिछले 20 साल के अंदर आपके भाई ने मंत्री पदों को ठोकर मारी, और अशोक गहलोत ने नागौर की नामांकन रैली के अंदर कहा था कि हनुमान ने हमसे समझौता नहीं किया, मैं कैबिनेट का मंत्री बना देता, लेकिन जिद्दी है वो चला गया। भाइयों, मैं जिद्दी हूँ और कई बार हैंग हो जाता हूँ चलते चलते, लेकिन 15-20 मिनट बाद सही भी हो जाता हूँ। मैं धन्यवाद दूंगा मेरे बाड़मेर के भाइयों को, जब भी मुझे आवश्यकता पड़ी यहाँ से आवाज आई, हनुमान जी थकना मत, किसान के बेटे भारत माँ के लाल हनुमान को आगे देखना चाहते हैं, आप आगे बढ़ो, बाड़मेर आपके साथ है। और भाइयों, हनुमान बेनीवाल ने नागौर की धरती से हुंकार भरी, और हुंकार खुद की पार्टी के नहीं भरी, मैंने कहा अंतिम छोर पे बाड़मेर के अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति, पाकिस्तान बॉर्डर पे बैठा व्यक्ति जो किन परिस्थितियों के अंदर संघर्ष कर रहा है, और बाड़मेर से लेके धौलपुर के चंबल के बीड़ों तक का व्यक्ति, या डूंगरपुर पांचवाड़ा के ट्राइबल बेल्ट से लेके गंगानगर तक का किसान आजादी के 70 साल बाद तकलीफ के अंदर है, किसान आत्महत्याएं कर रहा है, किसान के बेटे बेरोजगार से तंगा के या तो हाथ में बंदूक उठा के वो अपराधी बन रहे हैं या फांसी के फंदे को चूम रहे हैं। मैंने हुंकार भरी नागौर की धरती से, मैं मेरे भाइयों को न्याय दिलाऊंगा, और ऐसा जन आंदोलन खड़ा किया कि हुंकार की गूंज दिल्ली तक पहुंची और किसानों की
कर्ज माफी पे दिल्ली की सरकार ने मंथन किया और राजस्थान की अरुण जी भाई साहब भी मंत्री थे हमेशा। जब किरण लाल जी और हम संघर्ष करते तो हमारा ज्ञापन लेने के लिए सरकार अरुण जी को भेजती थी। सरकार को पता था कि अरुण जी के जाते ही किरण लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल आपस में ठीक हो जाएंगे, क्योंकि हमारा आपसी तालमेल हमेशा ठीक था। और भाइयों, हमारी हुंकारों का परिणाम था कि सरकार ने स्टेट हाईवे को टोल फ्री किया और राजस्थान के अंदर मुफ्त बिजली की घोषणा करी और बेरोजगारी भत्ता भी कांग्रेस को याद दिलाया। तो हनुमान बेनीवाल की हुकारों ने मेरे छोटे भाइयों के लिए 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता याद दिलाया और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कराई। भाइयों, इतना ही भरोसा दिलाता हूँ कि कैलाश जी यहाँ से जीत के जाएंगे और हनुमान बेनीवाल का चुनाव चिन्ह टायर है, लेकिन वहाँ कमल का फूल टायर के अंदर ही सबको दिखेगा कि टायर कमल के फूल ने टायर हनुमान जी के लिए छोड़ा। मैंने जोधपुर के अंदर परसों कांग्रेस के वोटों का सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, जिस तरह मोदी जी ने पुलवामा के बाद पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक किया था। मुझे कोई रास्ते में बता रहा था कि गहलोत जी परेशान है, नींद नहीं आ रही बेटे के लिए, और 56 मीटिंग एक दिन में रख ली। कितनी? 56। मैंने कह रहा मुझे तो 22-23 से ज़्यादा होती नहीं है। बोले गहलोत जी कह रहे थे पैदल चलाते जाओ, मुझे मेरा बेटा नहीं आना चाहिए। पुत्र मोह के अंदर तो हर आदमी आपको पता है धृतराष्ट्र हो जाता है। धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह के कारण अपने परिवार के अंदर ही संघर्ष लड़ाई कर दी थी, लेकिन हनुमान बेनीवाल वो योद्धा है जो डरता नहीं है। मैंने मुख्यमंत्री के गढ़ के अंदर जाके चुनौती दी और दिल्ली के आला नेताओं को चुनौती दी कि हनुमान बेनीवाल जिनके साथ खड़ा होता है चाहे गोली भी लग जाए उनसे पीछे नहीं हटता। और मैं भारतीय जनता पार्टी का कमल 25 जगह राजस्थान के अंदर खिलाऊंगा, यह मिशन पूरा करूंगा। और मैं धन्यवाद दूंगा आरएलपी की पूरी टीम को। वैसे राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव के अंदर कोई वोट परसेंटेज ज्यादा नहीं रहा, 1.5 लाख वोट कांग्रेस ने बीजेपी से ज्यादा लिए। और भाइयों, हमने 57 सीट लड़ाई और अगर 200 लड़ा देते तो हो सकता था कांग्रेस 99 से 69 में आ जाती और बीजेपी बढ़ जाती। मैं तो अरुण जी को हेलीकॉप्टर में कह रहा था ये गठबंधन विधानसभा चुनाव से अगर पहले हो जाता तो राज भारतीय जनता पार्टी का बनता राजस्थान के अंदर। लेकिन थोड़े आप लेट हो गए और कुछ गड़बड़ हो गया, लेकिन समय रहते सारा काम ठीक हो गया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ।